राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्या इथं पर्यटन आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या विविध विकास योजनांचं लोकार्पण केलं. पाहूया या कार्यक्रमाचं थेट प्रसारण. कथापर गहरी रुची व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे. मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा तब उन सब में भी संभवतः राम कथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोक मानस में देखा जाता है. देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इसी वर्ष जुलाई में थाईलैंड की राजकुमारी द्वारा दिल्ली में थाई रामायण राम कियन का विमोचन किया गया. यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि अयोध्या पुत्री राजकुमारी सूरी रत्ना कोरिया के महाराजा की पत्नी के रूप में प्रथम शताब्दी में वहां की महारानी बनी थी. सूरी रत्ना को कोरिया में क्वीन हियो के नाम से जाना जाता है. सन 2018 में दक्षिण कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में भाग लिया और उनके स्मारक के भूमि पूजन का शुभारंभ भी किया. मुझे बताया गया कि लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 60 लाख से अधिक लोग स्वयं को महारानी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपनी ननिहाल के रूप में देखते हैं. रामायण की कथा के अनुसार नेपाल से भी राजा जनक का संबंध स्थापित होता है. इस तरह अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं. पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है. थाईलैंड के एक शहर का नाम अयुत्थया है जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है. अनेक विद्वानों ने मध्य व